हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और सभी को मेरा राम राम। और आज बहुत प्यारा सा मौसम है और आज अच्छी धूप खिली है, ये देखो। और सनराइज भी हो चुका है और सुबह के हो रहे हैं 8:30। और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, ये देखो। आज बिच्छू बूटी बना रही हूँ, बिच्छू बूटी की सब्जी, और जो यहाँ पे पहाड़ों में मिलती है, और इसको नेटिव लीव भी बोलते हैं। और इसकी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है और बहुत ही गुणकारी होती है इसकी सब्जी। तोड़ूंगी, और क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी हाथ लग गया तो बहुत इचिंग सी होगी और बहुत ज़्यादा दाने दाने से निकलेंगे और पूरा दिन भर दर्द रहेगा, और इसलिए इसे चिमटे से ही निकालूंगी। और इसका ये नरम नरम वाला हिस्सा ही निकालना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे का नहीं निकालना है। और इसकी तो अगर थोड़ी सी भी हाथ में लग गई इसकी पत्ती तो बहुत जलन होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप पहाड़ी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलना कि बचपन में किस किसने अपने पेरेंट्स के हाथ से बिच्छू बूटी की मार खाई है और टीचरों के हाथ से। और हमने तो बहुत ज़्यादा खाई है अपने पापा के हाथ। शरारत करे तो स्कूल में बहुत बिच्छू बूटी की मार पड़ती थी पापा के हाथ से, और घर में तो कम ही पड़ती थी पर स्कूल में ज़्यादा पड़ती थी, और मम्मी के हाथ से तो हमने कम ही मार खाई। फ्रेंड्स, मैं यहाँ नाली के पास धोने लाई हूँ इसको धोने के लिए। यहाँ बावड़ी है साथ में, तो हम यहीं पे साफ पानी यहीं से ले जाते हैं पीने के लिए, और यहीं पे धोऊंगी इसको। मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, चिमटे की हेल्प से इसको धोऊंगी बिल्कुल साफ करके, फिर बनाएंगी इसका साग। फ्रेंड्स, मैं इसको एक बर्तन में डाल रही हूँ, अब इसको बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बॉईल होने को। इसको इस तरह से मैश कर रही हूँ, या आप सील बट्टे पर मैश कर सकते हो, या इस तरह से आप हमाम दस्ते या किसी भी चीज़ में मैश कर सकते हो, पर इसे मिक्सी में मैश मत करना, क्योंकि अगर आप मिक्सी में पीसोगे तो फिर इसका टेस्ट सारा चले जाएगा। फ्रेंड, जैसे कि मेरा प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन, और इसमें हरी कटी हुई 2 मिर्च, और साथ में डालूंगी नमक और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग पाउडर। नमक तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब मैं पहले इस तरह से छोड़ूंगी। मैं कम से कम 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, और घी से अच्छा स्वाद आएगा। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मुझे तो अच्छा लगता है घी डालना, मैं तो हर साग में घी डालती हूँ, आप स्किप भी कर सकते हो। घर का सारा काम निपटा के किचन पूरा साफ करके, और ये नेपाली का लंच तैयार है, और ये भी ले जाना साथ में। अब मैं खेत आई हूँ, और खेत में मैं चूना लगा रही हूँ, ये देखो इस तरह से चेरी के पेड़ में। जहाँ पे होल है वहाँ पे इस तरह से डाल रही हूँ, और इसमें मैंने इंसेक्टिसाइड डाला है, और साथ में नमक इस चूने में। और मैं इसको सारे पेड़ों में लगा रही हूँ, चाहे सेब का पेड़ हो, चाहे चेरी का हो, चाहे बादाम हो, नाशपाती हो, सब में यही लगा रही हूँ। और ये देखो साथ में खदान भी कर रहे हैं ये लोग, खदान कर रहे हैं, और मैं उधर से चूना लगा लिया मैंने। यार इस चेरी को तो कीड़े ने कुछ ज्यादा ही खाया है, इसमें इस तरह से डालूंगे, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होल है। घर जा रही हूँ, खेत में आजकल बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा काम होता है। अब घर जा रही हूँ, अब मैं रास्ते में हूँ अभी।